Hey everyone, welcome back to my another video. So I am back with another experimental video. Yes, मैं Horlicks का यूज़ करके इस पूरे पोर्ट्रेट को पेंट करूँगी. I don't know इसे कैसा रिजल्ट आएगा, ये वर्क करेगा या नहीं करेगा. So for that आपको ये पूरी वीडियो वॉच करनी होगी एंड तक. तो सबसे पहले मैंने Horlicks को प्लेट में ले लिया है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो. जब मैं इसे पानी के साथ मिक्स कर रही हूँ तो ये मिक्स नहीं हो पा रहा है. वो इसलिए क्योंकि Horlicks में बहुत बड़ा बड़ा चंक्स था, तो उसको मेल्ट करने के लिए आपको पानी में सोक करके थोड़ा देर छोड़ना होगा. तो उसके लिए मैंने एक चम्मच पानी डाल के Horlicks में इसे मैं छोड़ दूँगी एक मिनट के लिए. तो एक मिनट के बाद ये कुछ ऐसा रिजल्ट दिख रहा था. तो जब मैं इसे अब मिक्स कर रही हूँ तो ये प्रॉपरली मिक्स हो रहा है. तो इसे मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा आपको कलर देगा, इसे आप पेंट कर पाओगे या नहीं. तो सबसे पहले मैंने टेस्ट किया एक छोटे से पेपर पे. तो देखो, जब मैं इसे पेंट कर रही हूँ तो ये अच्छा खासा कलर दे रहा है, आप इसे पेंट कर सकते हो. तो आज मैं इसका यूज़ करके इस पूरे पोर्ट्रेट को पेंट करूँगी. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. तो इस वीडियो के एंड में आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट दिस पोर्ट्रेट. मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. सो फॉर दैट आपको ये पूरी वीडियो एंड तक वॉच करनी होगी, ताकि आप कोई भी डिटेल मिस ना कर सको.
सो एज आई हैव सेड दैट आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट दिस पोर्ट्रेट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप हॉर्लिक से वर्क करो तो आपको किन चीज़ों को माइंड में रखनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करनी है. तो हॉर्लिक से आप जब भी वर्क करते हो ना, तो आपको दो चीज़ माइंड में रखना है. पहला ये कि आपको एक्स्ट्रा लेयरिंग आपको देनी होती है हॉर्लिक से वर्क करते वक्त में. वो इसलिए क्योंकि जब आप एक से दो लेयर दोगे ना, तो आपको वो कलर आपको नहीं मिल पाता है. तो डार्क कलर लाने के लिए आपको 3 से 4 लेयर आपको देनी होगी. और दूसरा चीज़ ये है कि आप जब भी लेयरिंग देते हो ना, तो वो ऑलरेडी इतनी स्टिकी होती है, जब आप ज़्यादा लेयर देते हो तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होने लगता है. तो उसके लिए आपको पहला लेयर देने के बाद उसे आप ड्राई कर दो, फिर उसके बाद सेकेंड लेयर दो, तब आप इसे वर्क कर पाओगे. तो इन चीज़ों का माइंड में रख के आप इजीली वर्क कर सकते हो. सो आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस वीडियो. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करें. और आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.